नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। चचा गालिब की चंद लाइनें हैं कि हर बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। जी हाँ, ये अगस्त है, आज़ादी का महीना। अपने मोदी सर के लहजे में कहें तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन का साल, मेरी माटी मेरा देश वाले नए इवेंट का महीना, सब्जियों दालों और टमाटर के महंगाई का महीना, क्विट इंडिया का महीना। 1947 में 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात जब विभाजन को मूर्त रूप दिया जा रहा था, तब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि विभाजन मेरे देश की भावनाओं पर कुठाराघात है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि विभाजन मेरी चौड़ी छाती पर कुल्हाड़ा चलाने जैसा है, और महात्मा गांधी आज़ादी की रोशनी में जगमगा रही दिल्ली से हजार किलोमीटर दूर कोलकाता के पास लाशों के बीच सुबक रहे थे। सच रो रहा था और झूठ का राज तिलक हो रहा था, ठीक उसी तरह जिस तरह आज मणिपुर हरियाणा में हो रहा है। इस हालात में अगर आज आप गांधी की कल्पना करें तो शायद एक बार फिर वो वही दोहराते मिलते जैसा सुबकते गांधी जी ने तब एक बीबीसी संवाददाता के पूछने पर कहा था, वाई आर यू क्राइम मिस्टर गांधी। जवाब में गांधी जी ने कहा था, भूल जाओ कि गांधी अंग्रेजी जानता है। इस जवाब में केवल भाषा से मतलब नहीं है, उस अंग्रेजियत से भी है जिसने लोगों को बांटा, आपस में लड़ाया और गरीबों मजदूरों पर अत्याचार किए। जैसा सदन में अंग्रेजी में चीखती चिल्लाती सिलेंडर वाली मंत्री स्मृति ईरानी वर्तमान की गलतियों को छिपाने के लिए अतीत के चिथड़े से कुछ टुकड़े इकट्ठा करते हुए राहुल गांधी पर हमलावर होती हैं। जैसे सरकार ने उन्हें सिर्फ राहुल गांधी की हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ही जनता के टैक्स के पैसों से सरकारी ओहदा दे रखा हो। स्मृति ईरानी जब अविश्वास प्रस्ताव के बहस के दौरान कहती हैं मणिपुर कहीं से भी अविभाजित नहीं हुआ है, तब उन्हें अपनी गर्दन को थोड़ा जहमत देना चाहिए था। उन्हीं के आसपास उन्हीं के मंत्रिमंडल के विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन की ओर देख लेना चाहिए था, जिनका घर मणिपुर हिंसा की भेंट चढ़ा दिया गया और उन्हें कहना पड़ा था कि मणिपुर में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अफसोस की आजादी के 76 साल बाद भी गांधी जी की इस भावना का सम्मान किसी ने नहीं किया, ना नेताओं ने ना राजनीतिक दलों ने, जबकि हर राजनीतिक दल गांधी के नाम पर वोट जरूर बटोरना चाहता है, उन्हें या उनके चश्मे को पूछता भी है लेकिन उनका अनुसरण नहीं करता। सच है जिस तरह आग के फूल उड़कर जहां जाते हैं वहीं उगाते हैं, उसी तरह सच के भी बीज होते हैं और वो भी जहां उड़कर जाता है वहीं उगाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आजकल सच की खेती कोई नहीं करना चाहता। अब आते हैं राहुल गांधी पर। 4 महीने बाद ही सही उन्हें लोकसभा में आने का अवसर मिल ही गया। बेशक निचली अदालतों ने 4 महीने उनके होठ सिल दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिर वह सीवन उधेड़ी और मुंह खोल दिया। ये बात और है कि निचली अदालत के फैसले के बाद राहुल को सांसद पद से बर्खास्त करने में जो जल्दबाजी दिखाई गई थी, उतनी ही जल्दी में उनकी सदस्यता बहाल भी कर दी गई। सवाल ये उठता है कि सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद जो राहुल की वापसी हुई है, इसका फायदा कांग्रेस को होगा या नहीं? होगा तो कितना? निश्चित ही कांग्रेस के लिए सुनहरा मौका है, लेकिन लगता है इस पार्टी में नेतृत्व का संकट जो बहुत पहले से खड़ा हुआ है वह तकरीबन अस्थाई की तरफ बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब राहुल गांधी की सदस्यता गई, मौका तो तब भी था, लेकिन 1-2 दिन के मामूली प्रदर्शनों के बाद सारे नेता कार्यकर्ता घर बैठ गए थे। कांग्रेस का नेतृत्व कभी राजस्थान का गहलोत पायलट विवाद सुलझाने में उलझा रहा, तो कभी अजय माकन की भूमिका मापने में लगा रहा। पार्टी को जो सहानुभूति मिलती थी वो नहीं मिल पाई। इतना जरूर तय है कि इस पूरे घटनाक्रम से सत्तारूढ़ भाजपा जरूर कुछ हद तक दबाव महसूस कर रही है। इस दबाव के कई कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है मणिपुर। 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, खासकर राजनीतिक कार्रवाई के नाम पर वहाँ कुछ नहीं किया गया। हर कोई जानता है कि अगर मणिपुर में दूसरे किसी दल की सरकार होती तो 4-6 दिन में ही वहां राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। यहां तो निर्वस्त्र महिलाओं का वीडियो वायरल होने पर भी राज्य सरकार के कानों में जू नहीं रेंगी, जबकि इस घटना की रिपोर्ट वहां के थाने में 2.5 महीने पहले लिखी जा चुकी थी।
खैर दबाव का दूसरा कारण है इंडिया। दरअसल ये इंडिया उस संगठन के नाम का शॉर्ट फॉर्म है जो 26 विपक्षी दलों ने मिलकर हाल में बनाया है। सत्ता पक्ष की परेशानी ये है कि वह इंडिया का विरोध आखिर कैसे करे, वो तो देश का नाम है। देश से याद आया, हाल में एक याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता को इंडिया नाम पर आपत्ति है। कहा यह गया है कि राजनीतिक दलों के संगठन का नाम इंडिया रखना गलत है क्योंकि यह एम्बलम एंड नेम्स एक्ट का उल्लंघन है। वास्तव में एम्बलम एक्ट 1950 के अनुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था देश के नाम और उसके कुछ मान प्रतीकों का व्यावसायिक उपयोग बिना केंद्र सरकार की अनुमति के नहीं कर सकता। अब यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि राजनीतिक दलों द्वारा किए गए या किए जाने वाले काम बिजनेस या व्यावसायिक हैं या नहीं। अगर है तो सभी दल ये माने कि वे लोगों और देश की सेवा करने के बजाय व्यापार या व्यवसाय कर रहे हैं। बहरहाल सत्ता पक्ष पर दबाव का तीसरा कारण है राहुल गांधी के खिलाफ केस। इस पूरे केस में आगे चलकर कांग्रेस या राहुल को कितना फायदा होगा या तो उनकी खुद की कोशिश पर निर्भर करेगा, लेकिन इतना तय है कि फिलहाल राहुल के प्रति पॉजिटिविटी बनी है। वैसे लोकसभा में इन दिनों विश्वास और अविश्वास की जंग छिड़ी हुई है। अब तक गलियों, पहाड़ों और घाटियों में रेंगता हुआ मणिपुर अब लोकसभा में सुबक रहा है। विपक्षी तमाम वक्ता मणिपुर पर बोल रहे हैं। सत्ता पक्ष के वक्ताओं ने पहले दिन मणिपुर का नाम तक नहीं लिया, जबकि यह अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर मुद्दे पर ही लाया गया है। शायद इसीलिए अपने मोदी सर मणिपुर, महंगाई और अडानी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने, अटकाने और लटकाने के लिए आज 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के मौके पर वीडियो मैसेज जारी करते हैं और कहते हैं कि उनके देश के विकास में कुछ बुराइयां रुकावट बन रही हैं, इसलिए आज भारत एक स्वर में कह रहा है कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो और तुष्टिकरण भारत छोड़ो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इन तीन शब्दों को बोलते वक्त वो ये भूल जाते हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप राफेल, अडानी और देश में बेची जा रही सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों से भी जुड़ा है। वंशवाद एनडीए के कुनबे से जुड़े उनके सहयोगियों ओम प्रकाश राजभर, चिराग पासवान, हमके जीतन राम मांझी और तो और खुद मोदी सर के पार्टी में भी है। रही बात तुष्टिकरण की, तो मणिपुर, हरियाणा, मध्य प्रदेश में यही तो डबल इंजन की सरकार कर रही है। इन्हीं गुनाहों को छिपाने के लिए अब एक और इवेंट के जरिए मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। इसमें देश भर के गांवों से 7500 कलशों में मिट्टी दिल्ली लाई जाएगी। साथ ही यात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे भी लाए जाएंगे। इस मिट्टी और पौधे से नेशनल वार मेमोरियल के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी। वाह, क्या राम राज है, क्या अमृत महोत्सव है। और आज अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान अमित शाह जी कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद से नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा ना भूतो ना भविष्यते, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये क्या थे, ये क्या अलोकप्रिय थे। इसका जवाब नरेंद्र मोदी के मित्र